हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, हम बनाएंगे आज सूजी के और मैदा डालकर मठरी, मीठा मठरी, बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये हमारा सूजी है, इतना ही कटोरी से नाप कर ले लिए हैं, थोड़ा सा कम है एक कटोरी से, इसी से नाप करेंगे हम सभी। एक कटोरी बना लीजिए अपना घर का, उसी से नाप कर आप बनाइएगा तो कोई झंझट नहीं होगी। ढारते हैं इसको, ये सूजी है हमारा। अब इसी कटोरी से हम मैदा डालेंगे एक कटोरी, इसको भी डाल लेते हैं। और हम तेल डालेंगे 5 चम्मच के करीब, हम तेल डाल देते हैं इसमें इतना सा, इसको भी डाल लेते हैं। बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे, मिला लेते हैं इसको। मठरी हमारा बहुत अच्छा बनकर तैयार होगी, मिला रहे हैं इसको। देखिए कैसा हो रहा है। पूरा मिल गया। अब इसमें हम घी डाल लेते हैं 2 चम्मच के करीब। घी है ये, घी से बहुत मठरी अच्छा लगता है। दूसरा नमक, आधा छोटा चम्मच हम इलायची पाउडर डालेंगे इसमें, बहुत खुशबू अच्छा आता है। मिक्स करते हैं इसको भी, देख सकते हो आप इतना बढ़िया से मिक्स हो रहा है हमारा मठरी के आटा। गेहूं के आटा से भी आप बना सकते हैं, बढ़िया लगता है उसका भी। देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट हो रहा है ये। अब इसमें हम चीनी डालेंगे, जो शक्कर होता है ना वो डाल लेते हैं। चीनी, चीनी का पाउडर है इतना सा, चीनी है हमारा पाउडर चीनी, इसको डाल लेते हैं। पाँच चम्मच के करीब डाले हैं चीनी, इसको भी मिक्स करते हैं। इतना बढ़िया सा हो रहा है हमारा, देखिए दोनों हाथ से मसलना है। अब इसमें हम दूध डालेंगे, मठरी का आटा हमारा मिस गया, आपको मुट्ठी बांध कर मैं दिखा रही हूँ। देखिए कैसा ये बंध रहा है मुट्ठी, पूरा अच्छा कितना हुआ है। अब इसमें हम दूध डाल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है एक बार, नहीं तो गीला हो जाएगा, अच्छा भी नहीं होगा हमारा मठरी। बढ़िया से इसको दो लगाएंगे, दूध से अच्छा बनता है, पानी से आप कर सकते हैं, मगर दूध से बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। डाल दिए, एक बार बनाओ, महीने भर की स्टोर करके आप खाओ, ऐसा ही बढ़िया से लगाएंगे इसको सब डाल का। और दूध डाल लेते हैं थोड़ा बचा हुआ है। कुछ ऐसा हो गया हमारा आटा, मछली का आटा, इसको हमें लोई बना लेते हैं।
सा दबा लेंगे। देखिए कैसा बढ़िया, इसको हम ढक्कन लगा कर 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए ढक देंगे, उसके बाद से हम इसको दिखाएंगे आपको। इसको हम ढक लेते हैं 5-10 मिनट के लिए, ढक दिए। अब हम साइड में रखते हैं, गैस की ओर चलते हैं। हाँ तो हमारा 5 से 10 मिनट हो चुका है, देखते हैं। उघार कर सब टाटा लग गया है, इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं और मसल लेते हैं इसको बढ़िया से, मठरी हमारा अच्छा हुए। मसलते हैं, मसलेंगे इसको, ऐसा मसलना है, थोड़ा और सॉफ्ट आटा हमारा हो जाए, गीला ज़्यादा नहीं करना है, पानी नहीं डालना है इसमें, मिठाई जैसे बनता है पूरा, मिठाई एक तमाम है ये मठरी, जो सूजी और मैदा से मिठाई बनता है ना, वही है। देखिए हमारा आटा आपको पास में करके दिखाती हूँ, कितना बढ़िया चिपक रहा है, हाथ में नहीं चिपक रहा है ना, तेल तेल दिख रहा है पूरा। इसमें तेल डाला गया है, घी डाला गया है, आपने तो देखा। अब इसको हम इतना बड़ा लोई निकालेंगे, इसको ऐसे ऐसे दबा देंगे बढ़िया से, दबाने से मिल जाता है, ऐसे गोल करेंगे इसको। चकला लेंगे हम साइड में रखते हैं, इसको चकला है हमारा, ये चिपकेगा नहीं है, हल्का हल्का हाथ से रोल करना है इसको, फटता है। देखिए नहीं ज़्यादा मोटा रखना है, नहीं ज़्यादा पतला रखना है हमारा मठरी को। इतना ही से हो गया हमारा, इतना ही लेंस रखना है आपको, दिखाती हूँ। एक ऐसा लेना है आपको कप, चाहे डिब्बा का ढक्कन हो, चाहे कप हो, कुछ भी हो, इसको ऐसा दबाना है, निकालना है बीच से, दबा दबा को निकालना है। नहीं आ रहा है, इतना इतना ही निकाल लेते हैं, तीन ही हमारा बन पाया। देखिए कितना बढ़िया सा गोल सा बना है, देखिए इसको रखते हैं एक प्लेट में। आप लंबा भी बेल सकते हैं, लंबा लंबा और आसानी रहेगा एक कप से काटने में। दबा कर बेलते हैं इसको बढ़िया से, उठा उठा कर बेलना है। देखिए यही बेल गया, सेम हो गया पूरा। फिर इसको भी हम कट कर लेते हैं, ऐसे नचाना है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का घुमा घुमा कर कटना है आपको।
इसको भी निकाल लेते हैं। फिर भी सभी ऐसा ही हम बनाएंगे, अपना मठरी बेल बेल कर काटेंगे। हाँ, तब हमारा सारा मठरी तैयार है बेलकर, देख सकते हैं आप बिस्किट जैसा दिख रहा है, पेड़ा जैसा, देखिए कितना बढ़िया। अब इसमें हम दिखाते हैं आपको, और एक ऐसा लेना है आपको, गूदना है इसको, एक सीक लेना है चाहे कांटा वाला चम्मच लेना है, ऐसे गूद देना है, फूलेगा नहीं इसे गूदने से, बढ़िया से बनेगा हमारा मठरी। देखिए सभी के गूद लेते हैं ऐसा ही, देखिए गूद लिए, पूरा होल होल दिख रहा है, सभी को साइड में रखते हैं, गूदते हैं इसको भी, ऐसा ही गूदना है। रखते हैं इसको साइड में। हाँ, तो देखिए हमारा सारा मठरी के गूद लिए हैं इतना बढ़िया से इसको। अब चलते हैं गैस की ओर धराने के लिए। हाँ, तो हमारा कढ़ाई रख दिए हैं ढकने के लिए। अब इसमें हम तेल डाल दे रहे हैं, जो भी आपको मन करिए जिसमें बनाना, घी में भी आप बना सकते हैं इस मठरी को। हमने रिफाइन ऑयल लिए हैं, गरम होने देते हैं अच्छे से, बढ़िया से गरम हो जाएगा तब इसमें डालेंगे। देखते हैं एक डाल के इतना सा छोटा सा कि हमारा तेल गरम हो चुका है कि नहीं हो चुका है। देखिए बढ़िया गरम हुआ है, इतना ही पर आपको तलना है, थोड़ा फ्लेम लो कर लेते हैं, ज़्यादा है। डालेंगे हमारा मठरी सभी इसमें। हाँ, तब डाल रहे हैं इसमें मठरी अपना, ये सावधानी से डालेंगे थोड़ा, नहीं तो तेल छपकता है। डाल लेते हैं सभी को। चम्मच लेना है आपको उलट पलट करने के लिए, डायरेक्ट हम छोलनी नहीं इसमें घुसाएंगे, छलनी जो होता है, नहीं तो हमारा वो मठरी ख़राब हो जाएगा, टूट भी सकता है। बहुत बढ़िया लगता है, आप एक बार बना कर खाई के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा हमारा मठरी आपको लगा। ऐसा हिलाना है इसको, देखिए धीरे धीरे हिलाना है एक एक का, बिस्किट जैसा बनता है। आप चाहो तो करवा चौथ में बना कर खा सकते हो, कोई गुरुवार के व्रत है उसमें भी बना कर खा सकते हो, सोमवार के व्रत है उसमें भी बना कर खा सकते हो, आप भगवान का भी भोग लगा सकते हो आप इसको, बहुत बढ़िया रहता है। बस शुद्ध होना चाहिए हर चीज़, शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। देखिए कैसा हो रहा है, इसको पलटते हैं सभी को, एक एक करके पलटेंगे। हटा लेते हैं, देखिए कितना बढ़िया गोल्डन हो रहा है हमारा ये मठरी, पूरा पक जाएगा तो एकदम बिस्किट के जैसा होएगा, बढ़िया सा। हाँ, तो कुछ ऐसा हमारा मठरी हो गया, अब इसको हम निकाल लेते हैं सभी को, प्लेट में निकालते हैं, ऐसे साइड में करेंगे तो सारा हमारा जो तेल है एक्स्ट्रा सारा निकल जाता है, ऐसा लगाना है आपको। कितना बढ़िया से दिख रहा है, डालते हैं और सभी को
सभी को ऐसा ही डाल लेते हैं, सभी को पका लेंगे ऐसा ही मीडियम। बस आपको फ्लेम रखना है ना, तो हमारा मठरी है जो होता है जल जाता है, भीतर से खास्तापन नहीं आता है, बहुत खास्ता बनता है बढ़िया। हाँ तो देख सकते हैं हमारा सारा मठरी तैयार हो गया, निकाल लेते हैं इसको भी साइड से, गिर गया एक। और है थोड़ा, डाल लेते हैं इसको भी हम। एक स्टार बना दिए। अभी तल रहा है, हाँ तो देख सकते हो आप हमारा मठरी पूरा बनकर तैयार हो गया। हम आपको एक तोड़ के दिखाते हैं, देखिए कितना बढ़िया खसदे टूट रहा है, पूरा टुकड़ा टुकड़ा में हो गया, कितना अच्छा सा खस्ता बना है हमारा मठरी। साइड में रखते हैं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल को भी घंटी दबा देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, एक बार बना कर खा कर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा चैनल ममता साहनी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।